देख लेना क्लास आएंगे। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग टॉपिक पिकअप कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिख एंड हिमाचल प्रदेश, और दूसरा टॉपिक लिया था गोरखा और हिमाचल प्रदेश। आज तीसरा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का हम लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्रिटिश एंड हिमाचल प्रदेश। तो आइए हम लोग डिस्कशन करें कि हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश कैसे जुड़े हुए हैं। सारे लोग आ जाइए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका एनटी का पेपर कैसे हुआ, नायब तहसीलदार का। आपको पता है क्लास से भी क्वेश्चन मैक्सिमम आए हुए थे आर्ट एंड कल्चर वाला एरिया से। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसा आप लोग का पेपर हुआ लिख के कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। अब है कि जो लोग हमारे लेक्चर्स को प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे आपने, जैसे एंशियंट इंडिया और मेडिवल इंडिया पर मैंने लेक्चर आपके बना दिए हैं, आप एक बार सारे लेक्चर्स को पूरा का पूरा देख लीजिए। एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न भी आपका स्टार्ट हो गया है। तो पिछला लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो ये वाला लेक्चर आपको समझना आसान हो जाएगा कि हिस्ट्री में एक तरह से कॉन्टिन्यूटी समझना आपने। तो देखिए पहले हम लोग डिस्कस करें कि ब्रिटिश एंड हिमाचल प्रदेश, कैसे ब्रिटिश लोग हिमाचल प्रदेश में इंटर किए। तो आपने इसके पीछे थोड़ा सा स्टोरी समझना है कि कैसे ब्रिटिश लोग एक तरह से हिमाचल प्रदेश में इंटर कर गए। आइए देखिए, पहले हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करें कि आपको पता है कि ईस्ट, पहले हम लोग समझे करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको पॉइंट बता दे। आपको पता होगा, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में फैक्ट है कि 1600 एक कंपनी बनी और इंडिया में 1608 में। आपको पता है कि जहांगीर जब मुगल सम्राट था तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को पहुंची और 1609 में यह जहांगीर से मिली और 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री गुजरात के सूरत में ओपन हुई, यहां पर फैक्ट्री खोले। तो एक बेसिक बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अब हम लोग थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं आपको। तो कंपनी कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन 1600 में हुआ और 1608 में भारत पहुंची, 1609 में जहांगीर के कोर्ट में कैप्टन हॉकिंस पहुंचा और 1611 में कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली। यह तो पहला फैक्ट। दूसरी फैक्ट आपको यह समझना है, जब हिमाचल को अच्छे से समझने के लिए आपको कैसे ब्रिटिश हिमाचल प्रदेश जुड़े हुए हैं, इससे पहले दो बात आपको समझना है। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो दो लड़ाई लड़ी। एक लड़ी बैटल ऑफ प्लासी 1757, एक लड़ाई लड़ी बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो कंपनी के लिए दो इंपॉर्टेंट लड़ाई रही। तो आप देखिए, बैटल ऑफ प्लासी से कंपनी बंगाल को कैप्चर की और बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी ने भारत के तीन पावर को डिफीट किया और एक तरह से इंडिया की किंग हो गई।
तो आपको यह ध्यान समझना है कि जो कंपनी दो लड़ाई लड़ी, एक तो बैटल ऑफ प्लासी और एक बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी से कंपनी ने बंगाल को कैप्चर किया और बक्सर से भारत की मालिक बन गई। और 1876-4 में जब कंपनी बंगाल पहुंची तो भारत का मैप एग्जैक्टली ऐसी था। उस समय पहाड़ी हिल स्टेट्स का ये मैप देख सकते हैं, यहां पर सिख मिसेस देख सकते हैं। ये मुगलों के अंदर एम्पायर, ये नवाब और अवध, उस समय एक तरह से मुगल एम्पायर का ब्रेकअप हो गया था, टूट गया था मुगल एम्पायर। अब हमें डिस्कशन करना है कि तब कंपनी कैसे हिमाचल प्रदेश में एंटर की। तो इसके बीच छोटा सा आपको स्टोरी बताते हैं। अब हमने डिस्कस किया कि हिमाचल में तीन पावर का राइज हुआ, एक तो संसार चंद का राइज हुआ, दूसरा आपको समझना कि गोरखास का राइज हुआ, और तीसरा आपको सिखों का राइज हुआ, और एक फोर्थ पावर के रूप में कंपनी का राइज हुआ। अब इन चार चीजों को समझना है, पहला संसारचंद, दूसरा गोरखा, तीसरा सिख और चौथा कंपनी। अब इन चार के बारे में अगर आप अच्छे तरह से समझ जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि ब्रिटिश फाइनली हिमाचल में कैसे एंटर की। तो ध्यान से देखिए, लिंक कीजिए। जब गोरखों को इनवाइट किया गया बिलासपुर के राजा के द्वारा, तो इसने संसारचंद को अमर सिंह थापा ने डिफीट किया। अब ये भागते हुए रंजीत सिंह के पास है और रंजीत सिंह ने फाइनली क्या किया कि संसार चंद से कांगड़ा का किला भी ले लिया और हिमाचल के जितने भी कांगड़ा हिल एरिया में स्टेट थे उन पर अटैक करके कैप्चर कर लिया और हिमाचल प्रदेश के दो पार्ट हो गए। आज भी दो पार्ट है, एक को लोअर हिल्स कहते हैं, एक को अपर हिल्स कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश एक तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक को लोअर हिल्स कहते हैं और एक को अपर हिल्स कहते हैं। जब अमर सिंह थापा को रंजीत सिंह ने डिफीट किया तो मूव करके अपर हिल्स में शिफ्ट हो गया, वो कांगड़ा का रीजन छोड़ के अपर हिल्स में चला गया। अब लोअर हिल्स वाले सारे इलाके पर रंजीत सिंह का कैप्चर हो गया, रंजीत सिंह पूरे लोअर हिल्स के मालिक बन गए। अब अपर हिल्स में क्या हुआ, अब गोरखा ने क्या किया कि अपर हिल्स के मैक्सिमम स्टेट को कैप्चर कर लिया गोरखा अमर सिंह थापा ने, तो गोरखा एम्पायर के अंदर अपर हिल्स आ गया। अब अपर हिल्स के राजाओं ने फाइनली, जैसे रामपुर बुसियार जुब्बल, इन सारे स्टेट के राजाओं ने फाइनली यह प्लान किया कि गोरखों को रिमूव करने के लिए ब्रिटिश की मदद मांगी, हेल्प मांगी। तो अपर हिल्स के राजाओं ने गोरखों से अपने को आजाद कराने के लिए, क्योंकि अमर सिंह थापा ने मैक्सिमम अपर हिल्स के राजाओं को कैप्चर करके और उनसे एक तरह से टैक्स ले रहा था, अब उनको उनसे अब गोरखों से बचने के लिए जो अपर हिल्स के राजाओं ने ब्रिटिश रेसिडेंट से मदद मांगी, इस तरह हिमाचल प्रदेश में सिख लोग इंटर कर, सॉरी इंग्लिश लोग इंटर कर गए। इतना बात क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये हम आज डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश लोग इंटर कर गए, अमर सिंह थापा को डिफीट करने के लिए इंग्लिश लोग हिमाचल प्रदेश में इंटर कर गए और अमर सिंह थापा के अगेंस्ट में इंग्लिश को बुलाने वाले राजा थे, वो बिलासपुर का राजा भी था, एक तरह से रामपुर बुशियार का राजा, सिरमौर का राजा, इन सब ने ब्रिटिश से हेल्प ली थी गोरखा को हिमाचल प्रदेश से रिमूव करने के लिए। तो ये स्टोरी है। अब हम लोग डिस्कशन करते अपने टॉपिक पर आके। अब मैप पर देखिए, अब हम फिगर्स के सहारे सकते हैं कि ये ऑक्टर लोनी है, जनरल ऑक्टर लोनी, और ये अमर सिंह थापा, गोरखा का मिलिट्री कमांडर अमर सिंह थापा। अब कहते हैं कि सारे जो अपर हिल्स के राजाओं ने मेजर जनरल ऑक्टेलोनी के मदद, ऑक्टेलोनी से मदद मांगी और मेजर ऑक्टेलोनी ने क्या किया, अमर सिंह थापा को डिफीट करने के लिए एक लड़ाई स्टार्ट की जिसको कहते हैं अभियान चलाया।
और इस अभियान में क्या हुआ कि बुसियार के राजा, हिंदौर के राजा, कैलूर के राजा, सिरमौर के राजा, कुल्लू के राजा, इन्हें सारे इत्र से डेविड ऑक्टरलोनी को मदद किए। और डेविड ऑक्टरलोनी क्या हुआ कि इन राजाओं के मदद से फाइनली अमर सिंह थापा को डिफीट किया, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है एंग्लो गोरखा वॉर में। और अमर सिंह थापा को डिफीट कर, जैसे डिफीट किया, हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश लोग एक तरह से मैप पर आ गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब अमर सिंह थापा जब डिफीट हो गया, तो अमर सिंह थापा के साथ एक संधि हुई जिसको टीटी ऑफ सुगौली कहते हैं। और इस टीटी ऑफ सुगौली के द्वारा क्या हुआ, जो अमर सिंह थापा ने अपर हिल्स के जिस राजाओं को अमर सिंह थापा से मुक्त कराया था, वो सारे इलाके एक तरह से ब्रिटिश के अंदर आ गए, सारे इलाके एक तरह से ब्रिटिश के अंदर आ गए। अब ब्रिटिश ने क्या किया कि जब इस सारे अपर हिल्स के राजाओं को गोरखा से आजाद कराया, तो इन सारे ब्रिटिश ने दावा किया कि ये सारा इलाका हमारा है। अब इस जितने भी जो अपर हिल्स के राजाओं से ब्रिटिश ने पैसे भी लिए गोल्ड के रूप में, और उनके साथ उनके लिए उनके साथ एक संधि हुई जिसको सनद जारी किया, तो आप मैप पर देखेंगे। अब ब्रिटिश ने क्या किया फाइनली कि जब अमर सिंह थापा डिफीट हो गया, तो कुछ राज्यों को आजाद कर दिया, जैसे कि आप देखिए बंगाल के स्टेट को, हिंदूर के, बिलासपुर, बुसियार और सिरमौर, इनको आजादी दे दी और इनके ऊपर टैक्स लगा दिया कि आपको टैक्स पे करना है। बाकी जो 20 हिल स्टेट्स थे, जो 20 राज्यों को, जो 20 प्रिंसली स्टेट थे जिनको गोरखा से आजाद कराया था ब्रिटिश ने, इन सारे 20 स्टेट्स को ब्रिटिश ने हमीरपुर में एक जगह है जिसका नाम है पलसी, PLA पलसी में बुलाया, और वहां पर एक मीटिंग हुई और ब्रिटिश ने सनद इशू किए। सनद का मतलब आपने पढ़ा होगा बुक्स में, आपने रीडिंग लगाया होगा कि सनद, पलसी में एक मीटिंग हुई और ब्रिटिश ने क्या किया कि जितने भी हिमाचल पर अपर हिल्स के राजाओं थे उनसे अच्छे अच्छे जगह जो थे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेसेस ले लिए, और उन प्लेसेस का यूज एक तरह से ब्रिटिश ने दो रूप में यूज किया, एक तो हिल स्टेशन बनाया और दूसरा ब्रिटिश छावनी को डेवलप किया। आप देखिए 20 सनद इशू किए गए। अब इन 20 राजाओं को 20 जो सनद इशू किए गए, सनद का मतलब था कि पहला फैक्ट था कि ब्रिटिश जो ट्रेडर है, व्यापारी, उनको अपने राज्य में अलाउ करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट सनद था कि उनको कुछ मजदूर भी प्रोवाइड करना है। और तीसरा, ब्रिटिश ने ऑर्डर दिया कि अपने इलाका में 12 फीट ऑफ रोड बनाइए, 12 फीट रोड कंस्ट्रक्ट करना है, और ब्रिटेन के बिना परमिशन से कोई आप किसी के साथ किसी को अपने अंदर एंट्री नहीं देंगे। तो ऐसे करके 20 सनद इशू किया गया। अब जिन जिन राजाओं से सनद इशू किए, आप उनको मैप पर भी देख सकते हैं, आप डायग्राम भी देखिए। पलसी में मीटिंग हुआ और हिमाचल प्रदेश के 20 राजा ने भाग लिया और यहीं पर ब्रिटिश ने सनद इशू किया। आप देखिए बिलासपुर का राजा महामचंद ने भाग लिया, जैसे बंगाल का जगत सिंह ने, कुतियार का राणा भूप सिंह ने, बगाद का राणा मोहिंदर सिंह ने, बज्जी का राणा रुद्रपाल ने, धामी का गोवर्धन सिंह ने, महलो का ठाकुर संसार चंद ने, बेजा का ठाकुर मानचंद ने, किंथोल का राणा संसार सेन ने, सिरमौर का राजा फतेह सिंह ने, बालसन का ठाकुर योगीराज, नालागढ़ का राम शरण सिंह, जुब्बल का राणा पूरनचंद, संगारी के राजा विक्रमजीत, मंगल का राणा बहादुर सिंह, दारकोटी के राणा सूरत सिंह, कुनिहार के ठाकुर मगन देव, कुमार सिंह का राणा केहर सिंह, बुसियार का राजा मोहिंदर सिंह, अथरोज का ठाकुर जुब्बी सिंह। तो ये सारे राजाओं का मीटिंग पालसी में हुआ और इनसे अंग्रेजों ने पेपर पर साइन करवाए और सनद इशू किया और इनको ये इनसे प्रॉमिस करवाए कि आप कोई भी ब्रिटिश व्यापारी होगा अपने राज्य में अलाउ करना है, आपको फ्री में बेगार फ्री लेबर प्रोवाइड करना है, आपको अपने राज्य में रोड बनाना है, और ये सारे इनसे प्रॉमिस करवाए और इनकी आजादी एक तरह से ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो आप ये देखेंगे कौन कौन से राजाओं को, 20 राजाओं को सनद इशू किया पलसी में हमीरपुर के पास। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि अपर हिल्स के राजाओं का एक तरह से पूरा ब्रिटिश के अंदर आ गए और इन्हीं अपर के राजाओं से जैसे किंथोल के राजाओं से, तो किंथोल के राजाओं से अंग्रेजों ने शिमला लिया, बाद में उसको कैपिटल के रूप में डेवलप किया। तो ऐसे करके ब्रिटिश ने धीरे धीरे करके हिमाचल प्रदेश में
अपर हिल्स के मेन मेन इलाके को लेकर, मेन मेन जगह को लेकर एक तरह से आर्मी कैंप के रूप में डेवलप किया। तो ये हमने डिस्कस किया कि कैसे हिमाचल प्रदेश से ब्रिटिश इंटर किए। अब इसके बाद दूसरी बात समझना में, अब इसके बाद क्या हुआ, अब आप देखेंगे कि मैप पर आप फिर यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना आपने। अब अपर हिल्स के राजाओं, बहुत से राजाओं को फ्रीडम मिल गया, उनके राज्यों को ब्रिटिश ने अमर सिंह थापा से आजाद करके उनको आजादी दे दी और बहुत से राजाओं को सनद के अंदर लाया गया, एक तरह से फ्री थे। बाकी इधर क्या हुआ कि जब अपर हिल्स के राजाओं को जब ब्रिटिश ने आजादी दिला दी गोरखाओं से, तो लोअर हिल्स के राजा सोच रहे थे, जो लोअर हिल्स के राजा थे इन पर रणजीत सिंह की अधिकार था, ये सिखों के अंदर थे। अब लोअर हिल्स के राजा, अब जैसे कांगड़ा रीजन के जो राजा थे वो भी ऐसे सोचने लगे जैसे अपर हिल्स के राजाओं को अंग्रेजों से गोरखा से अंग्रेजों ने मुक्ति दिला दी है। अब अपर हिल के राजा, लोअर हिल्स के राजा भी सिखों से मुक्ति पाना चाहते थे, माने सिख के शासन से दुखी थे। अब इनने भी क्या किया कि कांटेक्ट किया ब्रिटिश रेसिडेंट से और यह बात कहे कि हमें भी सिखों से आजादी दिला। अब इसके बीच क्या हुआ, इस बीच दो इवेंट्स हुए। आप पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने एक लड़ाई लड़ा जिसको बोलते हैं एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो अफगान वॉर। और एंग्लो अफगान वॉर में क्या हुआ, ब्रिटिश की बुरी तरह से हार हुई, बहुत बुरी तरह से ब्रिटिश लोग एंग्लो अफगान वॉर में हार गए। अब जब ब्रिटिश लोग एंग्लो अफगान में वॉर में हार गए तो उन्हें फाइनली प्लान किया कि पंजाब को कैप्चर करना है। बाकी पंजाब के चूंकि लोअर हिल्स का इलाका रणजीत सिंह के अंदर था तो कैप्चर नहीं कर सकते थे, क्योंकि रणजीत सिंह का अंग्रेजों के साथ फ्रेंडली रिलेशन था और एक संधि हुई थी जिसको अमृतसर की ट्रीटी कहते थे। तो अंग्रेज लोग लोअर हिल्स के जो राजा थे उनको, लोअर हिल्स के राजा उनसे कॉन्टेक्ट कर रहे थे, बाकी अंग्रेजों ने मना कर दिया कि मैं आपको आजाद नहीं करा सकता हूं क्योंकि हमारा रणजीत सिंह से फ्रेंडली रिलेशन है। बाकी इवेंट तब चेंज हो गया जब रणजीत सिंह की डेथ हो गई। जब रणजीत सिंह की डेथ हो गई तो उनके परिवार के बीच गद्दी के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, संघर्ष स्टार्ट हो गया और अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और सिखों के साथ अंग्रेजों की पहली लड़ाई हुई जिसको बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। इस फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में क्या हुआ, जितने भी लोअर हिल्स के राजा थे उनने सारे ने एक तरह से अंग्रेजों को मदद किया सिखों से अपने को आजाद कराने के लिए। तो पहला एंग्लो सिख वॉर में क्या हुआ, जितने भी हिमाचल के लोअर हिल्स के राजा थे कांगड़ा रीजन के, उसने सारे लोगों ने ब्रिटिश को मदद किया। कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिए, ब्रिटिश को मदद किया, इसलिए मदद किया क्योंकि उनको लग रहा था वो सिखों से अपने को मुक्ति चाहते थे। आपको पता है ये पहाड़ी किसी के अंदर रह नहीं सकता है, इनको रणजीत सिंह की शासन पसंद नहीं थी, खुद को अपने को आजाद करना चाहते थे, इसलिए उनने अंग्रेजों को फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में मदद किया। बाकी जब अंग्रेज लड़ाई जीत गए, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जब लड़ाई जब खत्म हो गया 1846 में और सिखों के साथ एक संधि हुई जिसको ट्रीटी ऑफ लाहौर कहते हैं के द्वारा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर खत्म हो गया। बाकी अंग्रेजों ने क्या किया कि जो लोअर हिल्स के जैसे स्टेट थे कांगड़ा नूरपुर जसवान दत्तरपुर कुल्लू गुलेर और लाहौल स्पीति, इनके राजाओं को आजादी देने से मना कर दिया, इनको बोला कि आजादी नहीं देंगे, क्योंकि लोअर हिल्स के राजाओं ने यह समझ के अंग्रेजों को मदद किया था कि जैसे अपर हिल्स के राजाओं को अंग्रेजों ने आजादी दे दी थी, वैसे अमर सिंह थापा से इनको आजाद कर दिया था, वैसे अंग्रेज भी सिखों से इन्हें आजादी दे देंगे। बाकी अंग्रेजों ने लॉर्ड हार्डिंग उस समय गवर्नर जनरल था,
उसने इन राजाओं को आजादी देने से मना कर दिया। अब सारे पहाड़ी राजा गुस्से में आ गए कि मेरे साथ धोखा हुआ है, हमने इनको मदद किया और ये बोल रहे आजादी नहीं देंगे। अब क्या हुआ? अब सेकेंड जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ 1848-49 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ, अब जितने भी पहाड़ी राजा थे फाइनली ये प्लान किया कि हमें अब सिखों को मदद करना है, इंग्लिश को मदद नहीं करना है क्योंकि इनने हमें धोखा दिया है। और सिखों ने भी प्रॉमिस किया कि हम आपको आजादी दे देंगे, आप हमें मदद करो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में। बाकी उसी समय गवर्नर जनरल आया था जिसका नाम था लॉर्ड डेलोसी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डेलोसी, और उसने फाइनली प्लान किया कि पंजाब को, पंजाब का एक तरह से खालसा आर्मी को डिफीट करके पंजाब को ब्रिटिश इंडिया में मर्ज कर देना है। अब जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ तो जितने भी लोअर हिल्स के राजा थे उनने सिखों को मदद किया इंग्लिश के अगेंस्ट में। अब अंग्रेजों ने क्या हुआ कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में सिखों को भी डिफीट किया और सारे पहाड़ी राजाओं को पकड़ के, कहते कि कांगड़ा के राजा को पकड़ के अल्मोड़ा भेज दिया, बाकी सबसे बेस्ट फाइट दिया इसको अंग्रेजों को, कहते कि नाक में चने चबा दिया था, जिसका नाम था राम सिंह पठानिया, नूरपुर का वजीर, वजीर ऑफ नूरपुर, जिसका नाम था राम सिंह पठानिया, जिसने अंग्रेजों को बुरी तरह से डिफीट भी किया, एकदम नाक में दम कर रखा था। फाइनली अंग्रेजों ने इसको क्या किया, पकड़ के एक तरह से सिंगापुर भेज दिया और प्रमोद चंद को पकड़ के अल्मोड़ा भेज दिया और राम सिंह पठानिया को सिंगापुर भेज दिया। तो ऐसे समझे कि हमने समझ लिया, तब क्या हुआ कि फाइनली क्या हुआ कि अपर हिल्स भी अंग्रेजों के अंदर आ गए और लोअर हिल्स भी आ गए। इस तरह करके अंग्रेज पूरे हिमाचल प्रदेश के मैप पर छा गए। तो ये हमारा एक टॉपिक था, डिस्कशन किया कि कैसे हिमाचल प्रदेश के अंग्रेज लोग इंटर कर गए। तो अंग्रेजों का मेन इंटर करने का मेन कारण क्या था, अमर सिंह थापा को डिफीट करना। जब अमर सिंह थापा को डिफीट किया तो अंग्रेजों के अंदर अपर हिल्स आ गए। जब अंग्रेजों ने सिखों को दो लड़ाई में डिफीट किया, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वार सेकेंड एंग्लो सिख वार, जिससे अंग्रेजों के अंदर लोअर हिल्स आ गए। ऐसे करके पूरे हिमाचल का एक तरह से मालिक अंग्रेज बन गए। तो यह हमारा लेक्चर था। अगर एनी डाउट एनी क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, किसी को कोई डाउट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, लिख के अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एनी क्वेश्चन एनी डाउट यू कैन आस्क, अगर कोई आपको डाउट हो एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया, छोटा सा टॉपिक था कि कैसे अंग्रेज लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर इंटर किए। एनी डाउट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, आप एक कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। किसी को अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो क्वेश्चन के लिए आपको बार बार आता है कि अंग्रेजों ने, जैसे कि आप क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि अभी तक 10 ईयर्स में ब्रिटिश एंड हिमाचल प्रदेश पर कैसे क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन आया कि वजीर नूरपुर का राम सिंह को पकड़ के अंग्रेजों ने कहां भेज दिया था, तो उसका आंसर था सिंगापुर भेज दिया था। फिर क्वेश्चन ऐसे आया कि प्रमोद चंद को, जो कांगड़ा का राजा था चीफ था, उसको पकड़ के कहां भेजा था, अल्मोड़ा भेजा था। फिर डेट भी आते हैं, सेकेंड एंग्लो सिख वार अंग्रेजों ने पंजाब को कैप्चर कब किया, 1849 में कैप्चर किया। आपको डेट याद होना चाहिए कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुआ, सेकेंड एंग्लो सिख वार कब हुआ। नेक्स्ट आइए, तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंग्लो वार सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ। और यह भी ध्यान रखना है कि जब पहला एंग्लो सिख वार हुआ उसमें कौन कौन राजा ने अंग्रेजों के साथ थे, जैसे चंबा का राजा ने मदद किया, मंडी का, सुकेत का, कांगड़ा के नूरपुर, जसवान, दत्तरपुर, कुल्लू, गुलेर और लाहौल स्पीति, इन सब राजाओं ने अंग्रेजों को मदद किया था सिखों से अपने को आजाद करने के लिए। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किस किस राजाओं को अंग्रेजों ने शरण दिया था। ये नाम याद करना बहुत डिफिकल्ट है, बाकी हम लोग बाद में इसके ऊपर और भी डिटेल में करेंगे कि किन किन राजाओं के
जब अंग्रेजों ने सनद इश्यू किया तो यह भी वार्निंग दिया कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाइए। बाद में क्या हुआ कि बहुत से राजाओं को अंग्रेजों ने उनसे सनद ले ली और खुद रूल करने लगे, तो इनके ऊपर भी अलग टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जब पॉपुलर रिवोल्ट इन हिमाचल प्रदेश करेंगे। तो फिर हमने डिस्कस किया कि टीटी ऑफ सुगौली क्या हुआ, उसमें क्या क्या प्रोविजन थे आपको पता होना चाहिए, और किसने अमर सिंह थापा को डिफीट किया था, जनरल ऑक्टर लोनी ने, और ऐसे करके एक आपके एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, एनी क्वेश्चन इन डाउट यू कैन आस्क। किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है, यू कैन अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अब आगे आइए, अब मैंने बताया कि जब अंग्रेजों ने, आप बोर्ड पर समझिए, थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में आते हैं हम लोग, जब अंग्रेजों ने अपर हिल्स को कैप्चर कर लिया और लोअर हिल्स, अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर लोअर हिल्स को अंग्रेज क्यों नहीं आजादी देना चाहते थे, क्योंकि उनको अफगानिस्तान के रास्ते रशिया का डर सता रहा था। अंग्रेजों को हमेशा रशिया से डर बना हुआ था, उनको डर लगता है कि अफगानिस्तान होते हुए रशिया भारत को आ सकता है, इसलिए लोअर हिल्स के राजाओं को आजादी देने से मना कर दिया। अब यहां पर जब अपर हिल्स से अंग्रेजों ने जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेस लिए, उसके रूप में हिमाचल प्रदेश में छावनी का डेवलप किया, जिसको आर्मी की छावनी कहते हैं, तो आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट छावनी सुबातू में बनाया, जो हेडक्वार्टर था नसारी बटालियन का, फिर कसौली में छावनी का निर्माण किया, दक्साई में किया, बलूम में किया, बकलोक में किया। तो ऐसे करके हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजों ने क्या हुआ कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को हिल स्टेशन के रूप में डेवलप किया, शिमला को हिल स्टेशन के रूप में डेवलप किया, डलहौजी को किया, और कुछ प्लेसेस को छावनी के रूप में यूज किया। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये होता है कि सवातू में कौन सी हेडक्वार्टर था बटालियन का, तो नासरी, कसौली में कौन सा था 13 लाइट इन्फेंट्री का रेजिमेंट था, जिसको किसने डेवलप किया था, जनरल गिलबर्ट ने। तो ऐसे करके कभी कैंटन कैंट पर भी क्वेश्चन आते कि अंग्रेजों की छावनी की स्थापना किसने की थी और कौन से एक तरह से फोर्सेस से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो आज हमने डिस्कशन किया, कल हम लोग मिलते हैं और फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी को एनी डाउट है, एनी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है, एनी क्वेश्चन है। तो जिनने अगर जो लोग नए नए क्लास ज्वाइन किए हैं, आप चाहे तो हमारा एंशियंट मेडिवल का लेक्चर भी दे सकते हैं और साथ में ये भी लेक्चर देख के, क्योंकि जब पूरे मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाएगा तब हम इस पर अब एमसीक्यू डिस्कस करेंगे कि लास्ट 10 साल में मॉडर्न इंडिया पर कौन कौन से क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश में आए। तो एनी डाउट एनी क्वेश्चंस फाइनली पूछ ले आप लोग से, अगर कोई को डाउट है एनी क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ के बता सकते हैं आप। चलिए, तब जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आगे भी अपना इंफॉर्मेशन दीजिए कि आपकी हिस्ट्री क्लास अगर आपको अच्छा पसंद हो आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अपने दोस्तों में मैसेज दीजिए क्लास के बारे में, जिससे आने वाले दिन में आपको भी फायदा हो। और आपने देखा कि अभी अभी लाइट का जो पेपर आया था, मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास से आए थे, पूरे के पूरे तो नहीं आए थे, बाकी कुछ क्वेश्चन क्लास से हमने पकड़े थे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल हम लोग और फिर इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं।